वेलकम ड्रीम डे स्कूल ऑनलाइन क्लासेस क्लास 8 एक्सरसाइज 8.3 8.3 में देखिए क्या दिया है। कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या करना आपको, कैलकुलेट अमाउंट निकालना और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना ऑन ये क्वेश्चन ए बी सी डी ई दिए हुए हैं। तो देखिए आपको क्या क्या इसमें दिया हुआ है। पी दिया हुआ है, पी कितना है 10,800 रुपीज। पी मीन्स प्रिंसिपल होता है। आर दिया, आर मीन्स रेट होता है, जो आपकी रेट है। क्या दी है 12 राइट 1/2 दिया है, परसेंटेज में दिया है, ठीक। और इसको देखिए जब कन्वर्ट करेंगे तो 25/2 आ जाएगा परसेंटेज में। और ये देखिए एन, एन मीन्स टाइम होता है। टाइम कितना दिया, 3 ईयर के लिए दिया हुआ। कितने ईयर के लिए, 3 ईयर के लिए दिया हुआ है। तो आपका अमाउंट निकालने का फार्मूला होता है, क्या होता है, पी इंटू 1+R/100 की पावर एन होता है। क्या होता है, पी इंटू 1+R/100 की पावर एन होता है। तो पी की वैल्यू क्या दी हुई है, 10,800 रुपीज़ है। और 1+R की वैल्यू जो दी है, आर की वैल्यू देखिए क्या दिया हुआ, आर की वैल्यू ये 25/2 दिया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पास आर की वैल्यू जो कैलकुलेट करना है, तो कैसे करना है आपको, देखिए यहाँ वैल्यू रखेंगे और इसको क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये आपका 25/100 होता, तो क्या हो जाएगा, आ जाएगा आपका 1+1/8/3 हो जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, इसको जब सॉल्व करेंगे आप लोग तो आएगा 9/8। क्या आएगा, 9/8, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 9/8 आएगा, पावर 3 रहेगी। इनटू का क्या रहेगा आपका, यही रहेगा आपका, इनटू में क्या रहेगा, 10,800, ओके, ये रहेगा 800, ये आपका रहेगा इनटू में। तो देखिए रखेंगे वैल्यू तो क्या हो जाएगी, 10,800 इनटू क्या हो जाएगा आपका, 9/8 की पावर आपकी 3 रहेगी, ओके तो ये रहेगी आपकी। तो इसको आप ब्रेक करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये पावर 3 है तो मीन्स 3 बार मल्टीप्लाई, और इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। फिर इसमें देखिए अमाउंट आ गया आपका, एक आंसर आ गया अमाउंट का, ओके। इसमें अमाउंट पूछा और कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा, अमाउंट आ गया आपका। फिर कंपाउंड इंटरेस्ट मीन्स सी आई होता है, क्या होता है बच्चों, सी आई होता है। तो सी आई इक्वल क्या फार्मूला, ए माइनस पी होता है, ए माइनस पी। तो ए आपका अमाउंट ये आ गया, और पी मीन्स प्रिंसिपल आपका ये है 10,800। तो इसको रख देंगे तो यहाँ से अमाउंट आ जाएगा, ओके। तो इस तरह आप लोगों को कैलकुलेट कर लेना है, तो आपका ये अमाउंट, ये आपका सी आई आ जाएगा। अब इसी में क्वेश्चन नंबर बी दिया है, बी में भी क्या दिया आपका, पी दिया हुआ है। पी की वैल्यू ये दी है आपकी 18,000। आर की वैल्यू 10% है, यानी इक्वल 2 ईयर दिया हुआ है। तो यहाँ से अमाउंट, अमाउंट के फार्मूले से पी प्लस 1+R/100 पावर यान से कैलकुलेट कर लेना, आपका अमाउंट आ जाएगा। तो अमाउंट देखिए ये आया आपका यहाँ से। फिर अब देखिए आपका यहाँ ईयर क्या दिया हुआ है, 2 दिया है। तो क्या करना है आपको, यहाँ से इसमें कैलकुलेट करना है 1 ईयर के लिए, तो आपका सी आई आ जाएगा यहाँ से। तो पहले एस आई निकाल लीजिए, एस आई का फार्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी अपान 100 यहाँ से। तो आपका एक ईयर के लिए 1089 आ जाएगा। तो अमाउंट ऑफ द इंड ऑफ द टू राइट 1/2 ईयर के लिए निकालना है, क्योंकि इसमें जो आपका ईयर दिया हुआ है, देखिए ईयर दिया क्या दिया है, 2 राइट 1/2 दिया ईयर, दूसरे वाले की बात में कर रहा हूँ। तो ईयर के लिए 1 ईयर के लिए एस आई निकाल लिया, और अमाउंट निकाल लिया 2 ईयर के लिए। फिर अमाउंट यहाँ से क्या करना है, अमाउंट एट द इंड ऑफ द 2 राइट 1/2 ईयर के लिए निकाल लेना है। तो क्या हो जाएगा आपका, आपका यहाँ से हो जाएगा रुपीज़ 21 यहाँ से आया 21,780 प्लस आपका 10,089 आया 1089। तो इनको प्लस कर देंगे तो अमाउंट आ जाएगा अगले ईयर के लिए। तो वहाँ से सी आई कैलकुलेट कर लेना आप लोगों को, सी आई इक्वल हो जाएगा, तो सी आई इक्वल ए माइनस पी। तो यहाँ से आपका सी आई आ जाएगा, तो सी आई क्या आ जाएगा आपका, 4,869 आपका। तो ये आपका सी आई आ गया, क्वेश्चन नंबर आपका ये बी हो गया। इस तरह क्वेश्चन नंबर सी और डी और ई आप लोगों को करना है, ठीक है। तो आप लोग सी डी ई कर लेंगे, इसी तरह करना आप लोगों को। अब क्वेश्चन नंबर बात करते हैं हम लोग सेकंड की। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है, कमला बोड्रेड
यानी बैंक से लेता कितने 26,400 बैंक से बाय द स्कूटर एट द रेट 15% कंपाउंडली ईयर के, ठीक है। व्हाट अमाउंट विल सी पे एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स एंड 4 मंथ टू क्लियर द लोन, यानी जो कमला है वो कितना 26,400 जो बैंक से लेता है स्कूटर के लिए और उसका इंटरेस्ट जो लगता है रेट लगता है 15% लगता है और जो टाइमिंग है आपका 2 ईयर और 4 मंथ है, ये टाइमिंग दिया हुआ है। तो पहले आपका क्या कैलकुलेट देखिए करना है, पी इक्वल 26, पी इक्वल आपका दिया है 26,400 रुपीज़ देखिए आपका टाइम ये एन इक्वल टू, 2 ईयर के लिए हम लोग पहले अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं 2 ईयर के लिए, फिर वन हाफ ईयर जो बचेगा वन राइट वन अपॉन 2 ईयर बचेगा उसके लिए हम SI कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए आफ्टर 2 ईयर के लिए हम लोग अमाउंट निकालने का फार्मूला क्या होता है, P इंटू वन प्लस आर अपान हंड्रेड की पावर n होता है। तो अमाउंट यहाँ से निकाल लेंगे, लिया अमाउंट देखिए इस फार्मूले से आ गया आपका क्या आ गया अमाउंट 34,914 आ गया अमाउंट, ओके। यहाँ से भी वैल्यू पुट करके मैंने निकाल लिया, फिर नाउ इंटरेस्ट ऑफ द इंटरेस्ट निकालना हमको, यानी आपका 4 मंथ दिया हुआ है, 4 मंथ में आपको इसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 12 से डिवाइड कर देंगे तो ईयर कितना आ जाएगा 1/3 ईयर आ जाएगा, ईयर में इसमें कन्वर्ट हो गया 12 से डिवाइड करने पर तो SI आ जाएगा। यहाँ से SI निकाल लेंगे, P इंटू R इंटू T अपॉन 100, तो आपका देखिए ये जो अमाउंट आएगा तो ये प्रिंसिपल यहाँ होगा, ओके। तो यहाँ प्रिंसिपल आ गया 34,914 इंटू आपके जो रेट हुआ क्या हुआ 15 हुआ, टाइम क्या हुआ 1 हो जाएगा आपका 1, क्योंकि 1/3 टाइम 1/3 हो जाएगा और 100 रहेगा, तो यहाँ से SI इतना रुपीज आ गया। अब टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा देखिए, ये आपका ये वाला और ये SI में जो है तो इसको प्लस कर देंगे तो टोटल अमाउंट हो जाएगा, ओके। तो टोटल अमाउंट ये निकाल लिया आपका, फिर यहाँ से देखिए क्या निकाल, इसमें क्या पूछा था टोटल अमाउंट ही पूछा तो आपका टोटल अमाउंट लिख लेना है, ओके। तो आपका टोटल अमाउंट ये आ जाएगा आपका, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर देखिए कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, आरिफ टूक अ लोन आप 80,000 फ्रॉम अ बैंक से लेता है, इफ द रेट ऑफ द इंटरेस्ट इन द 10% पर मंथ एनुअम, 10% क्या होता है रेट लगता है, फाइंड द डिफरेंस अमाउंट व्यूज ऑफ द पे आफ्टर 1 राइट 1/2 ईयर इंटरेस्ट, तो इसमें कंपाउंड एनुअली निकालना है कंपाउंड और कंपाउंड हाफ ईयर के लिए निकालना है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन क्या कहता है आपका, पूरा क्वेश्चन है कि आरिफ जो है तो 80,000 रुपये बैंक से लेता है लोन के रूप में और उसका जो रेट लगता है 10% लगता है, कितने ईयर में पे करना है उसको 1 राइट 1/2 में, तो इसमें 2 चीज़ निकालना है 6 और 6 में 1 और 2। तो देखिए फर्स्ट आपका प्रिंसिपल, रेट आपका हो जाएगा, टाइम हो जाएगा आपका, अमाउंट निकालना कैलकुलेट कर दिया तो अमाउंट ये आ गया आपका, ठीक है। सेकंड में क्या कहता है, हाफ ईयर के लिए कैलकुलेट करना है, तो आपका ये टाइम जो जगह 1 राइट 1/2 ईयर के लिए मीन्स आपका क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, मीन्स देखिए 1 ईयर में कितना होता है 6 मंथ होते हैं, 6 मंथ + 6 मंथ इक्वल क्या हो जाएगा 12 मंथ हो जाएगा, तो आपका 2 हो जाएगा यहाँ से और एक हाफ है तो मीन्स एक 1 तो मीन्स आपका 3/2 ईयर हो जाएंगे, ओके 1 राइट 1/2 में। तो आपका देखिए रेट जो 10% ही रहेगा तो आपका हाफ जब निकालेंगे तो रेट को क्या कर देंगे हाफ कर देंगे, तो 10% है तो हाफ क्या हो जाएगी 5% हो जाएगी क्योंकि हाफ ईयर के लिए कैलकुलेट करना है, पी आपका सेम रहेगा। तो अमाउंट यहां से कैलकुलेट कर दिया, अमाउंट फार्मूला वही आपका फार्मूले में रख करके अमाउंट आ गया आपका, फिर लास्ट में भी निकाल बोला भी है क्या निकालना है, डिफरेंट निकालना है दोनों बीच में कितना है, यानी डिफरेंट कितना है अमाउंट में, तो आपका माइनस कर दिया तो इतने रुपीज़ का डिफरेंट है क्वेश्चन में बोला, तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 में देखिए करना है, तो आपको
एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व कर सॉल्व कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको बता दी जाएगी। ओके, तो ये आपका चैप्टर 8.3 कंप्लीट होता है। थैंक यू।